हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मुक्ति की दुनिया। ये है अभी के बर्थडे का डेकोरेशन। मेरा बहुत मूड खराब था, बहुत ज़्यादा। जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट मंथ आदि के बर्थडे में मैंने फॉयल बलून्स से पूरा डेकोरेट किया था और उनको निकाल के किस तरह से स्टोर करना है, रखना है। नेक्स्ट ये देखिए, ऐसे सजाया था हमने, कितना अच्छा लग रहा था। और इनको मैंने स्टोर करने का आपको वीडियो भी शेयर किया था कि इनकी हवा निकाल के आप स्टोर करके रख सकते हैं। बट जब लास्ट मोमेंट पे मैंने सबके आने के आधा घंटा पहले ही उनको निकाला, सोचा फुला लेंगे आराम से, डेकोरेशन हो जाएगा, तो उनमें से एक भी नहीं फूल रहा था। और मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ कि मैं क्या बताऊँ। और मेरी गलती ये है कि मैंने उस टाइम पर ही चेक किया। तो आपने अगर फॉइल बलून्स को स्टोर करके रखा है रीयूज़ के लिए, तो उन्हें समय से पहले निकाल के ज़रूर चेक करें। कभी कभी धोखा दे जाती हैं चीज़ें। तो मेरा बहुत इसलिए मूड ख़राब था, और मिश्रा जी की तबीयत भी ख़राब थी, वो फीवर भी था उनको उस दिन, तो दवाई लेके रेस्ट कर रहे थे। तो मैं उनसे बोलूँ कि वो लेके आएँ जाएँ। और केक डिलीवरी होने वाली थी, ये देखिए दूसरी गलती हुई, जो केक में उन्होंने स्पेलिंग अभिनव की गलत लिखी। मतलब इतना बोलने के बावजूद चीज़ें गलत होती हैं ना, तो बहुत गुस्सा लगता है। बच्चे आ गए थे, बच्चे कम थे इस बार, आदि के बर्थडे में देखा होगा आपने, बहुत बच्चे थे। तो कई बार हम जो चीज़ें सोचते हैं वो वैसी नहीं होती हैं, और दिमाग ख़राब होता है। बट क्या कर सकते हैं, अभी छोटा है तो इतनी सारी चीज़ों को वो नोटिस नहीं कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो एनीवे, किसी तरह मैनेज हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अब पार्टी। वेलकम बैक टू मुक्ति की दुनिया। आज है अभी का बर्थडे और हम जा रहे हैं केक कटिंग के लिए, तो वीडियो में बने रहिए, कहीं नहीं जाना है। और चलिए केक कटिंग करते हैं। से हाय। और एक गड़बड़ और हो रही थी यहाँ पे कि ये जो कैंडल थी ये जल ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों नहीं जल रही थी, बार बार इसको जलाते जल नहीं रही थी। मिश्रा जी को बोले मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, तो एट लास्ट जल गई। बहुत अच्छी तो नहीं जल रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इसमें, समझ में नहीं आ रहा। तो एक के बाद एक चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो रही थी, तो मूड ख़राब होता है। वैसे ही मेरा भी हो रहा था कि क्यों ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों सही से चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही हैं। और एट लास्ट जल गई थी ये धीमी धीमी किसी तरह। तो जैसे भी जली तो हमने कहा चलो केक कट कर लेते हैं, वरना फिर ये होगा कि नहीं जल रही है। सारू आई रे रहा रे
ये है आफ्टर इफेक्ट पार्टी का, तो मैं सब कुछ क्लीन करने वाली हूँ। और ये है वो फॉयल जो ख़राब हुई है, इसे देख के मुझे गुस्सा आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।